कार्तिक, कार्तिक मेरा बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। हमारा परिवार पूरा होने जा रहा है, हमें मम्मी पापा कहने वाला आने वाला है कार्तिक। आई एम सो हैप्पी। एक तरफ नायरा की बेशुमार खुशियां हैं, तो दूसरी तरफ कार्तिक का डर है। जी हाँ, नायरा की गुड न्यूज ने नायरा और कार्तिक की जिंदगी ही बदल दी है। नायरा तो अपनी हसीन दुनिया में गुम है, आने वाले नन्हे मेहमान से बातें करती है, और कार्तिक भी हर पल उनके साथ रहते हैं। कभी उसे हाथों में गुलाब थमाते हैं, तो कभी उसे प्यार का झूला झुलाते हैं। ये ना बस कार्तिक और नायरा हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और बस नायरा को बहुत भूख लग रही है, वो उसे गार्डन में लेके आते हैं, कुछ खिलाते हैं। दोनों ही बहुत खुश है इस यू नो बेबी की बात को लेके, प्रेगनेंसी को लेके। भाई कार्तिक खुश तो है, लेकिन उन्हें डर है नायरा को खोने का, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि ये आने वाला बच्चा नायरा के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए कार्तिक नहीं चाहते हैं कि नायरा इस बच्चे को जन्म दे, और यही बात वो नायरा को बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसे खुश देखकर वो कुछ कह नहीं पा रहे। वो ही डर है उनको, तो अभी भी नायरा से कहते हैं कि शायद अगर बेबी ना आए हमारी लाइफ में, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। सो वो डर कहीं ना कहीं एक भयानक सा सपना बन गया। इनके प्यार भरे लम्हों में ब्रेक तब लगता है जब नायरा दौड़ते हुए जमीन पर जा गिरती है। और आने वाला बच्चा उन्हें पहले ही छोड़कर चला जाता है। वही वाला जो तुम जाते थे। नहीं रहो, हमें भी मार रहा है तुम जो उसे। I hate you, Kartik। अरे घबराइए नहीं, ये तो कार्तिक का सिर्फ एक डरावना ख्वाब है जो रह रहकर उन्हें सताता है। वैसे डर तो नायरा की दादी सास को भी है, और इसीलिए जब कार्तिक नायरा ये खुशखबरी सोशल मीडिया में अनाउंस करते हैं, तो वो उन्हें डांटने और फटकारने लगती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि 3 महीने तक किसी को भी इस बात की भनक लगे। कार्तिक और नायरा सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, हैशटैग डाल रहे हैं, और दादी कहती है कि नो दिस इज नॉट राइट, यू नो नजर लग जाएगी, कोई देख लेगा, वो पता नहीं कौन किस इंटेंशन से देखे क्या हो। भाई डर तो सबको बना ही रहेगा, क्योंकि नायरा की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस जो है, और हम भी यही दुआ करेंगे कि नायरा हंसी खुशी अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करे। नुपुर मौची, मुंबई, आज तक।